चीज़ पालक पनीर मसाला डोसा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार चाहिए। उबले हुए आलू, पालक की ग्रेवी, प्याज, टमाटर। मसाले हमें कुछ इस प्रकार चाहिए। चना दाल, उड़द दाल, राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, नमक और हींग और तेल। हमने यहाँ पर डोसे का बैटर लिया है। ये होममेड डोसे का बैटर है और डोसे के बैटर की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसी के साथ ही हमें चाहिए पनीर, बटर और चीज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर हमारे डोसे का बैटर लिया है। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस प्रकार होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। इसके साथ हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच उड़द की दाल। चना दाल 1/2 कप। इस चना दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच हींग। चार पांच हरी मिर्ची। अदरक। हमने इसमें 1 इंच अदरक डाला था। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस स्टेज पर 1/2 कप टोमेटोज डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑनियन। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी 1/2 छोटी चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज और टमाटर को पकने देंगे। टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जिसको हमने कट कर लिया है। ये 2 कप है।
हमने आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। हमारा मसाला जो रेडी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तड़का, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके लिए हम डालेंगे इसमें एक चम्मच तेल। तेल को गरम होने देंगे। हमारा तेल अब गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने तड़के को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर तवा रख दिया है। हमारा तवा अब गर्म हो चुका है। अब हम तवे पर डोसे का बैटर डाल देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके डोसे के ऊपर लगाएंगे पालक की ग्रेवी, 2 चम्मच। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम डोसे के ऊपर लगाएंगे 1 चम्मच बटर। इसके ऊपर हम डालेंगे मसाला जो हमने पहले बनाया था। दो चम्मच इसके ऊपर हम पनीर को ग्रेट कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीज 1 क्यूब। डोसे को निकाल लेते हैं। अब हम हमारे डोसे को चीज से गार्निश कर देंगे। चीज पालक पनीर मसाला डोसा की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और बाजू में रखे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।